देखें न्यूजपुर बिहार। अभी हम बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के फैजुल्लाहपुर गांव में उपस्थित है, जहां पर यहां महागठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं शंकर यादव जी, जो इनके पिताजी स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद यादव जी पूर्व में एमएलए थे और उनके देहांत होने के बाद इनकी माँ मनोरमा देवी पिछले 2015 के चुनाव में निर्दलीय के रूप में लड़ी थी, जो काफ़ी इनको जन समर्थन मिला था और 36,000 कुछ वोट मिला था। तो आइए उनके बड़े बेटे जो प्रेमशंकर यादव जी इनसे बात करते हैं। सर, इस क्षेत्र में आप दौड़ रहे हैं, या जो फैजुल्लाहपुर गांव है काफ़ी विकास के क्षेत्र में अपना जीरो लेवल पर है, तो इस गांव के लेवल पर विकास पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये अभी जो आपको कल मैंने बताया था, कल परसों, कि फैजुल्लाहपुर एक ऐसा गाँव है जो हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, जिसके वजह से आदमी डेवलपमेंट करना चाहता है फिर भी नहीं कर पाता है। सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं मिलता है, कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कोई सरकारी ये यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ की जनता को कुछ उस तरह का सुविधा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से पिछड़ा आज भी पिछड़ा है। अभी इस साल दो दो बार बाढ़ है, आप बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ की गाँव सड़क की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ कितनी घर टूटी हुई आप देख रहे हैं, कितना मकान जर्जर है वो भी आप देख रहे हैं, और हर साल बाढ़ आता है उसमें मकान ध्वस्त हो जाता है, यहाँ की यहाँ का जान माल बर्बाद होता है, यहाँ की जायदाद बर्बाद होती है, लेकिन सरकार की या यहाँ की जनप्रतिनिधियों का इस पर कोई ध्यान नहीं। तो मेरा सबसे पहला ये होगा कि मैं बांध का मरम्मत करूँ, ताकि बाढ़ से जो भी नुकसान होता है, बाढ़ इस गाँव में या बैकुंठपुर इलाके में कहीं बाढ़ में, मैं बोला था कि मैं वोट दूँगा, उसके बाद मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि बाढ़ में सिंचाई करूँ। सर, यहाँ शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? यह दिया क्षेत्र है और यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं बड़े दूर दूर तक जाते हैं बड़े एजुकेशन खाब देकर, उनके बारे में बिहार यहाँ की क्या बात बोलना है, पूरे बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति आप नहीं जानते हैं? सबसे चौपट अगर पूरे देश में अगर शिक्षा की स्थिति है तो आपके बिहार, और नीतीश कुमार जब से इस गद्दी पर बैठे हैं शिक्षा को तो ले चुके हैं, न ट्यूटर बढ़िया है, न स्कूल में कोई अच्छा टीचर है, न स्कूल की बिल्डिंगें अच्छी है, न स्कूल में जाने के लिए बच्चे लोगों की रास्ता है, या गार्जियन कोई जाके देखे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि थाली लेके बैठता है, सब जब खाना स्टार्ट होता है बनने के लिए मिड डे मील में, तो बच्चा सब प्लेट लेके खड़ा रहता है, तीन तीन घंटे पढ़ाई करता है, टीचर लोग यहाँ पर पैर पे पैर पसार के बैठता है, कहीं की पढ़ाई लिखाई नहीं है, शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है। यहाँ के विधायक थे मिथिलेश तिवारी जी, जो बोले थे कि हम प्रत्येक साल 51 जोड़ी लड़कियों को फ्री में शादी अपने तरफ से शादी कराएंगे। वो महान है, उनकी बात महान आदमी, भगवान उनका मालिक है, क्या बोलते हैं वही जानते हैं। हमको लगता है कि वो नीतीश कुमार का छोटा भाई है, सुबह बोलते हैं शाम को बोल जाता है, ये तो तुरंत बोलते हैं तुरंत बोल जाते हैं, इसलिए इनकी बात मत कीजिए, जानता हूँ उनको करारा जवाब देगी इस बात। विजय बहादुर जी यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ के जिला पार्षद हैं, आप इनसे। ठीक है सर, हमारे पास यहाँ उपस्थित है जिला परिषद यहाँ के जो ग्राउंड लेवल पर इसी गांव के हैं विजय बहादुर यादव, आइए इनसे बात करते हैं। सर, मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको यहाँ तक पहुँचे। बोलिए, क्या आप जानना चाह रहे हैं? हम सर यहाँ सबसे पहले बताइए, अपने जो जिला परिषद के फंड से यहाँ क्या विकास किए हैं अपने क्षेत्र के बारे में, जबकि यहाँ के प्रॉपर आप निवासी हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं। जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत 8 पंचायतें आता है, इसमें सभी पंचायतें द्वारा पंचम वित्त आयोग की राशि से सभी पंचायतों में कहीं PCC, कहीं मिट्टीकरण और सरकार का जो भी गाइडलाइन उसके उसके तहत क्षेत्र का विकास, जिला परिषद का विकास करने की बात हुई। अभी व्यवस्था चल रहा है विधानसभा चुनाव, इसमें आपको जानना चाहे वो पूछ सकते हैं। सर, विधानसभा के जो क्षेत्र है अभी बैकुंठपुर इसी में जो है, यानी फैजुल्लाहपुर गाँव है, तो इस बात कि यहाँ के जो विधायक अभी थे और उसके पहले वाले विधायक, दोनों उन्हीं लोग का शासन यहाँ अभी तक रहा है, तो दोनों में विकास कौन सा किया? दोनों में किसी ने विकास नहीं किया, दोनों जो है सो अभी वर्तमान में दोनों आदमी मिलकर बैकुंठपुर को चलाने का काम किया है, चलाने लूटने का काम किया है, कहीं भी जो है सो स्वास्थ्य पर व्यवस्था नहीं, शिक्षा पर व्यवस्था नहीं, सड़क पर व्यवस्था नहीं, तमाम योजनाओं में बारी बारी से लूटने का उन लोग काम किया है, लूटने का व्यवस्था किया है, और बैकुंठपुर जैसे स्वर्ग रूपी बैकुंठपुर को, इस धाम को, उन लोग जो है अस्मिता को, इसकी अच्छाई को, इसको बुराई में तब्दील करने का काम किया है, इसलिए उम्मीद जगी है। हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार, बहुत ही तेज तार गंभीर विद्वान हमारे भाई हैं,
इस बैकुंठपुर का खोया हुआ सम्मान और अपने पिताजी के अधूरे जो सपने हैं जो छोड़ कर गए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे और रिकॉर्ड मतों से लगभग 1,00,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। जिंदाबाद।